मोहब्बत के, रात भर जाग के चैटिंग का मजा लेते। मैंने ख्वाब जलाए हैं, थोड़ा मुस्लिम तू भी है और थोड़ा हिंदू मैं भी हूँ। क्या बात है। शिमारू के नए वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना न भूलें। मैं जानता हूं सारी दुनिया सारा देश बेताब है मेरे साथ कहने के लिए। चलो प्रेजेंट, वाह भाई वाह। जिंदगी में कुछ क्षण ऐसे हैं जिन्हें शब्दों में नहीं बांधा जा सकता, जिन्हें बयान नहीं किया जा सकता, सिर्फ भावना ही बता सकती है कि वो क्षण कैसे हैं। जिंदगी में कुछ मंजिलें ऐसी होती हैं जो पाने में बड़ी मुश्किल लगती हैं, लेकिन जब पा ली जाती हैं तो लगता है कि सफर कितना खूबसूरत है। और जिंदगी में कीमत इस सफर की ही है। राज एक खूबसूरत सफर के बाद वाह भाई वाह एक ऐसे मुकाम पे खड़ा है जो मेरे लिए, शिमारू टीवी के लिए, हिंदी कविता और उर्दू शायरी के लिए, कविता और शायरी प्रेमियों के लिए और हिंदुस्तान की साहित्य और संस्कृति के लिए एक बड़ा अनूठा क्षण है, क्योंकि आज हम पूरे करने जा रहे हैं वाह भाई वाह के 100 एपिसोड। और ये शानदार शतक है खुशियों का, ये शानदार शतक है हंसी का, ये शानदार शतक है मुस्कुराहटों का, ये शानदार शतक है खुलूस का, ये शानदार शतक है स्नेह का, ये शानदार शतक है मोहब्बत का, ये शानदार शतक है प्रेम का, ये शानदार शतक है तुकांत का, ये शानदार शतक है रदीफ का, ये शानदार शतक है काफिये का, ये शानदार शतक है गजल का, ये शानदार शतक है कविता का, और ये शानदार शतक है गम से निजात का, और ये शानदार शतक है आपके और मेरे साथ का। इस सौवें एपिसोड में हम यहाँ एकत्रित हुए हैं। जिंदगी में वक्त कैसे निकल जाता है पता ही नहीं चलता। जैसे एक साहब की बीवी बहुत बीमार थी और वो ऑपरेशन थिएटर में थी और डॉक्टर साहब बाहर आए और कहने लगे साहब को कि माफ कीजिएगा, आई एम वेरी सॉरी, आपकी बीवी सिर्फ 2 दिन की ही मेहमान है। तो साहब कहने लगे इसमें दुखी होने की क्या बात है, आप सॉरी क्यों कह रहे हैं, जैसे तैसे करके ये 2 दिन भी निकल जाएंगे। क्योंकि वक्त वक्त काटने के अपने अपने तरीके हुआ करते हैं। जैसे वक्त काटने का एक तरीका ये, मान लीजिए आप कल्पना कीजिए कोई एरोप्लेन जा रहा है, उसमें कई देशों के लोग सवार हों और अंतर्राष्ट्रीय यात्रा हो और 2-3 हो जाएं, तो जो अमेरिकन यात्री होगा वो 2-3 ड्रिंक लेने के बाद कहेगा मैं अब किताब पढ़ूंगा। मान लीजिए जर्मनी का होगा तो कहेगा मैं अब एक फिल्म देखूंगा। चाइनीज होगा तो कहेगा मुझे कुछ काम बाकी है तो मैं थोड़ा सा अपने लैपटॉप पे काम करूंगा। हमारा हिंदुस्तान भाई 3 अब एरोप्लेन तेरा भाई चलाएगा। तो ये जो जिंदगी में वक्त काटने की अपनी उड़ान है वो बड़ी कमाल की है। तो आज हमारे इन कवियों के साथ साथ हमारा मेहमान भी रिकॉर्ड होल्डर होना चाहिए। आज हमारे साथ वो कवि हैं, इनमें से 2 वो हीरे हैं जो सेलो प्रेजेंट्स वाह भाई वाह में पहली बार हिंदुस्तान टेलीविजन पे आए और लोगों के दिलों पे छा गए। ये भविष्य के वो स्टार्स हैं जिन्हें जमाना इनकी चमक देखेगा। ये आज के सितारे हैं जो कल आफ्ताब बन के चमकेंगे। और 5 वो लोग हैं जो हिंदुस्तानी कवि सम्मेलन मिशारों की जान है, शान है, और इनके नाम से ही क्या कहूँ, इनकी नाम ही इनकी पहचान है। ये तमाम लोग हमारे बीच में बैठे हैं, लेकिन मुझे लगता है कि जब ये शानदार शतक हो रहा है, हम इतना खूबसूरत रिकॉर्ड बना रहे हैं, तो आज के हमारे खास मेहमान भी एक रिकॉर्ड होल्डर होने चाहिए। एक ऐसा व्यक्ति जिससे आप मिलते हैं तो उसकी मोहब्बत में गिरफ्तार हो जाते हैं, एक ऐसा दोस्त जो मिले तो फिर जिंदगी में किसी और चीज़ की जरूरत नहीं होती, एक ऐसा युवा
जो युवा दिलों की धड़कन बन के रहता है, जो ऊर्जा का पर्याय है। और आप सोचिए कि रिकॉर्ड्स बनाना जिस व्यक्ति के बाएं हाथ का खेल है, समाज सेवा के क्षेत्र में, चाहे वो विश्व का सबसे बड़ा वस्त्र दान हो, चाहे वो विश्व का सबसे बड़ा शिक्षा सामग्री का दान हो, चाहे वो विश्व का सबसे बड़ा प्लांटेशन यानी पौधारोपण का कार्यक्रम हो, चाहे वो विश्व का सबसे बड़ा सैनिटाइजेशन की सामग्री बांटने का काम हो, हिंदुस्तान का एक ऐसा युवा, एक ऐसा चेहरा जिसके पास 1, 2, 3, 4, 5 नहीं 6 गिनीज बुक वर्ल्ड रिकॉर्ड्स है, वो आज हमारे खास मेहमान होंगे। देखते हैं कौन। तो आज के हमारे मेहमान, हमारे खास मेहमान, हमारे विशेष मेहमान 100वें एपिसोड में वो रिकॉर्ड होल्डर जो हमारे लिए गर्व की बात भी है, खुशी की बात भी है, हर्ष का विषय भी है, महाराणा प्रताप के वंशज लक्ष्मणराज सिंह मेवाड़, जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए। जोरदार तालियां श्री लक्ष्मणराज सिंह मेवाड़ के लिए। सबसे पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया, 6 गिनीज रिकॉर्ड्स मुझे बोलते हुए भी आश्चर्य महसूस हो रहा है, कैसे और क्या महसूस हुआ जब आप ये इन रिकॉर्ड्स को बना रहे थे? मैं खुद ही निशब्द हूं अभी, पर बड़ी खुशी होती है, बड़ा अच्छा लगता है। और अगर मैं ये कहूँ कि नहीं मुझे अच्छा नहीं लगा तो शायद मैं बहुत बड़ा झूठ बोल रहा हूँगा, पर रिकॉर्ड से ज़्यादा कि जो मुझे खुशी अगर किसी बात की है तो जब ये अलंकरण मिला तो उसके सामने जब अपने देश का नाम लिखा जाता है, जब भारत का नाम लिखा जाता है, जब इंडिया लिखा जाता है, क्या बात, उससे ज़्यादा खुशी की बात हो नहीं सकती। एक बात जो सारी दुनिया को मैं बता दूँ कि लक्ष्मणराज सिंह मेवाड़ महाराणा प्रताप के वंशज हैं, गिनीज बुक रिकॉर्ड होल्डर हैं, लेकिन उसके अतिरिक्त हिंदी कविता और शायरी के बहुत बड़े मुरीद और प्रेमी हैं। तो आज आपको इस 100वें एपिसोड में आके कैसा महसूस हो रहा है? बहुत ही अच्छा लग रहा है। मैं आपको बहुत बहुत मुबारकबाद देना चाहता हूँ। हमारे जैसे और अन्य जो दूसरे लोग हैं जो कविता प्रेमी हैं, शेर शायरी की तरफ अपना एक रुझान रखते हैं, उनके लिए ये वाकई में एक बहुत खुशी की बात है। और ये पूरा जो एक शतक है जो आपने आज पूरा किया, वो हम लोगों को जो है जीवन के अंदर और ज़्यादा खुशियाँ जो है वो घोलता है और हमारे जीवन के मकसद को और हमारा मनोबल बढ़ाने के लिए बहुत बड़ा काम करता है। क्या बात है। और एक ऐसी बात जो शायद टेलीविजन के पर्दे पे कही जानी चाहिए या नहीं कही जानी चाहिए मैं नहीं जानता, लेकिन मैं कह देता हूँ, लोग कविता और शायरी के प्रेमी होते हैं, सुनते हैं, सुन के भूल जाते हैं, लोग कविता और शायरी के प्रेमी होते हैं, कवियों और शायरों का सम्मान करते हैं, लेकिन कविता के प्रेम की पराकाष्ठा क्या हो सकती है वो जो इन्हें निजी तौर पर जानता है वो भी शायद नहीं जानता होगा। मैं उन भाग्यशाली लोगों में से हूँ जिन्हें ये चीज़ पता है हिंदी कविता के प्रति क्या प्रेम हो सकता है। मैं मेरे साथियों को भी बताना चाहूँगा कि इनका प्रेम सिर्फ कहने भर का नहीं है। लक्ष्मणराज सिंह मेवाड़ ने हिंदी कविता की 4 पंक्तियाँ अपने सीने पे, हृदय के स्थान पे परमानेंट गुदवा रखी हैं। ये हिंदी कविता का इससे बड़ा सम्मान क्या हो सकता है। बहुत बहुत शुक्रिया यहाँ आने के लिए, आपने हमारे लिए वक्त निकाला और मुझे ऐसा महसूस होता है कि आज की शाम जो है वो हम मिलके ये जो 100वां एपिसोड है इसे स्मरणीय बना देंगे, अविस्मरणीय बना देंगे, यादगार बना देंगे। बहुत बहुत स्वागत एक बार फिर से। बहुत बहुत धन्यवाद। आइए, तो भाई आ चुके हैं हम इस पड़ाव पे 100वें
एपिसोड में हमारे साथ वो लोग हैं जो आज कमाल करने वाले हैं, कुछ तो ऐसा कमाल करने वाले हैं कि खुद ही बाकमाल है। उनके चेहरे पे मुस्कुराहट ऐसी चस्पा है, ऐसा लगता है जैसे किसी ने एक आलू लिया हो और उस आलू को एक छुरी से थोड़ा सा छील दिया हो और उसमें से भीतर से कुछ झांक रहा हो, ऐसा ही चेहरा है संजय झाला का। जोरदार तालियों से स्वागत करें हम संजय झाला का। संजय झाला के पास हिंदी कवि सम्मेलन के बड़े पुराने चावल महेंद्र अजनबी बैठे हैं। महेंद्र अजनबी के बाद वो हैं जिनके शेर मुझे ही नहीं सारी दुनिया को बड़े पसंद हैं। और इन दिनों सबसे बड़ी बात यह कि वाह भाई वाह के मंच पे वो आए और सारी दुनिया पे छा गए। जुबैर अली ताबिश हमारे बीच में है जो महाराष्ट्र में जलगांव जिले के नगर देवला गांव से आते हैं। हम उनका स्वागत करते हैं। उनके पास जो बैठी हैं उनके लिए परिचय देना क्या कहूँ, उनको परिचय की कोई आवश्यकता नहीं है। परिचय की आवश्यकता इसलिए नहीं है कि इस देश में कोई हिंदी कविता और शायरी का प्रेमी ऐसा नहीं होगा जो अंजुम रहबर के शेर नहीं जानता। जोरदार तालियों से स्वागत करें। उसके बाद छत्तीसगढ़ के रजनीकांत, इन्हें देखिए, इनका अंदाज देखिए, इनका चेहरा मोहरा देखिए, इनकी शक्ल देखिए, इनके गर्दन की बनावट देखिए। पद्मश्री डॉक्टर सुरेंद्र दुबे हमारे बीच में, हम स्वागत करते हैं उनका। कोई आदमी मोहब्बत करे इन दिनों और ऐसा हो ही नहीं सकता कि उसे मोहब्बत हो जाए और मोहब्बत करके उसे विष्णु सक्सेना के गीत याद ना आए। मोहब्बत करने वालों के दिलों की धड़कन डॉक्टर विष्णु सक्सेना। इतने दमदार लोगों के साथ में जो बैठा है वो दमदार है। ये वाह भाई वाह की एक ऐसी खोज जो सारे देश में छा गई और अपने अंदाज से, अपने खास खास अंदाज से, अपने पढ़ने के एक विशिष्ट तरीके से दमदार बनारसी हमारे बीच में, हम जोरदार तालियों स्वागत करते हैं। तो आइए इन सब के लिए एक बार मिलकर कहते हैं वाह भाई वाह। आइए हम स्वागत करते हैं इन सब का और बुलाते सबसे पहले उसे जो अपने खास अंदाज से आपका दिल जीत लेगा, दमदार बनारसी जोरदार तालियों के साथ। अब गंवारों की जो है सूरत बदलनी चाहिए। अच्छा, अब गंवारों की जो है सूरत बदलनी चाहिए। इत्र गर कपड़ों में हो खुशबू निकलनी चाहिए। मूंग की, मसूर की, अरहर की हो या की मटर, हो कोई भी दाल लेकिन दाल गलनी चाहिए। बहुत अच्छे, वाह। मिलोगर प्यार से तो मैं भी खंजर फेंक सकता हूँ। अच्छा, मिलोगे प्यार से? मिलोगर प्यार से तो मैं भी खंजर फेंक सकता हूँ। मैं तेरी राह में अपना मुकद्दर फेंक सकता हूँ। तू कानी हो ना जाए बस यही डर है मुझे, वरना मैं तेरी झील सी आंखों में कंकर फेंक सकता हूँ। कि ढले जब शाम तो बादे सभा की याद आती है। तड़पता है ये दिल जाने वफा की याद आती है। अच्छा, और मेरे खातिर भले ही हूरे जन्नत है मेरी बीवी, मगर तन्हाइयों में दिल रुबा की याद आती है। भले ही हूरे जन्नत है मेरी बीवी, वाह वाह, मगर तन्हाइयों में शैले जी बोल प्रेम के प्यारे प्यारे रखता हूँ। अच्छा, नैनों के जोड़े कजरारे रखता हूँ। घर में बीबी है तो बाहर दिल रुबा, एक मयान में दो तलवारें रखता हूँ। बहुत बढ़िया। घर की स्थिति अलग है साहब। वाह। कोई अगर बात उसकी मैं न मानू, हाँ, मार देती है। अरे बाप रे। कोई अगर बात उसकी मैं न मानू, मार देती है। हाँ। वो मेरी जान बिना निकले ही जानू मार देती है। हाँ। है सैनिटाइजर के जैसे ही घातक मेरी बीवी, पड़ोसन से मोहब्बत के कीटाणु मार देती है। बहुत अच्छे नजर। तने का रमा, रजिया, रेहाना या कि रुखसाना जरूरी है। रमा, रजिया, रेहाना या कि रुखसाना जरूरी है। अगर हो प्यार तो कोई गजल गाना जरूरी है। और मोहब्बत में मियां आंसू निकल आना जरूरी है। और बनारस में रहो तो पान भी खाना जरूरी है। अच्छा, मोहब्बत का तौर तरीका बदल गया है जी। अंतिम चार लाइनें देके जा रहा हूँ। हाँ। कि कभी बॉलिंग,
कभी कैचिंग का मजा लेते हैं, कभी बॉलिंग कभी कैचिंग का मजा लेते हैं, हम तो क्रिकेट में बैटिंग का मजा लेते हैं। वो अब तो बदले हुए हालात हैं मोहब्बत के, रात भर जाग के चैटिंग का मजा लेते हैं। रात भर जाके चैटिंग का मजा लेते हैं, लेकिन उसमें कई बार गलतफहमी हो सकती है। संजय झाला एक बार सारी रात इसी तरह से चैटिंग करते रहे, हाय कैसी हो, नींद नहीं आ रही, जाग रहा हूँ। अच्छा सामने से भी ऐसे ही जवाब आ रहे थे, क्या कर रही हो, इसी तरह का चल रहा था और सामने से भी ऐसे ही जवाब आ रहे थे, तुम कब मिलोगे, ऐसा है वैसा है न जाने कैसा कैसा है। दोनों चैटिंग कर रहे थे, दोनों ही एक दूसरे से अजनबी थे। कई दिनों बाद पता चला कि इधर संजय झाला थे, उधर महेंद्र अजनबी थे। ये जमाना ही ऐसा हो गया कि पता ही नहीं चलता कौन किससे बात कर रहा है। लेकिन अब बात चली है महेंद्र अजनबी की, तो जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए महेंद्र अजनबी। मेरा सौभाग्य है कि आज 100वें एपिसोड में मैं यहाँ पर आपके बीच में आया हूँ। इसके शुरू के एपिसोड में भी मैं था। मैं सीमारू चैनल को बहुत बहुत बधाई देता हूँ, शैलेश भाई की ने इतनी अच्छी एंकरिंग की है इस पूरे कार्यक्रम की। एक बार तालियाँ शैलेश भाई जी के लिए। ये तालियाँ मैंने इसलिए बजवाई जिससे कि आप मुझे सुन सको। मैं एक कविता सुनाना चाहता हूँ सीधे सीधे। आज से 35 साल पहले शैलेश जी, मुझे एक बार एक कार्यक्रम में बिहार जाना पड़ा दिल्ली से। अच्छा। और छठ का पर्व चल रहा था, जिस ट्रेन से मैं गया उसकी यह हालत थी भाई साहब, इतनी भीड़ थी मतलब यात्रा क्या मेरे लिए यातना हो गई थी। उस पर मुझे एक कविता लिखनी पड़ी, वो कविता आप तक पहुँचा उस रेल यात्रा पर जी। कि एक दिन हम भारी भीड़ भरी भारतीय रेल में चढ़ाए गए। अच्छा। कई कंधों पर धरकर भीतर सरकाए गए, भीड़ का ये हाल था मत पूछिए कमाल था। फर्श पर भी आदमी थे, सीट अच्छा। पर भी आदमी थे, बर्थ पर भी आदमी थे, और तो और छत पर भी आदमी थे। वो तो रेल वालों ने इससे ऊपर कोई जगह ही नहीं बनाई। वरना आदमी वहां भी होते भाई, कौन जाने किस पर पड़ा था। आदमी से आदमी सटा खड़ा था, सब एक साथ सांस ले रहे थे, एक साथ सांस छोड़ रहे थे। जो भी सांस लेने में जरा गड़बड़ा जाता था उसे फौरन एक धक्का लग जाता और हमारे आगे वाला व्यक्ति तो शायद गैस का मरीज था और पता नहीं क्या खा के आया था कि पूरे वातावरण में भारी प्रदूषण फैलाया। हमसे वहाँ खड़ा ही नहीं हुआ जाता था क्योंकि हर 15 मिनट बाद एक भोपाली गैस कांड हो जाता था। हमारे बगल वाली महिला का बच्चा रो रहा था और पीठ हमारी थपथपाई जा रही थी, पीठ और इतनी जोर जोर से थपथपाई जा रही थी कि हमें भी रुलाई आ रही थी। एक व्यक्ति ऊपर बैठा हुआ मूंगफली चबा रहा था और छिलके धीरे धीरे हमारे कान को कूड़ेदान समझ के उसमें सरका रहा था। हमारे पीछे वाले व्यक्ति ने शायद न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत ही नहीं पढ़ा था। अच्छा। इसलिए अपना पूरा का पूरा संदूक अपने सिर पर ही लिए खड़ा। हमारे बगल वाले ने न्यूटन को कुछ ज्यादा पढ़ रखा था इसलिए आधा संदूक हमारे कंधे पर धर रखा। एक भद्र महिला ने तो शैलेश भाई हद ही कर दी जब अच्छा। उसने अपने बच्चे की दूध की बोतल ही मेरे मुंह में। एक व्यक्ति ऊपर सामान रखने की जगह पर ही सो रहा था, राम जाने कैसे सपनों में खो रहा था, हर 2-4 मिनट बाद अपना हाथ नीचे से गिरा देता था और बड़े प्यार से हमारे गंजे सिर पर फिरा देता था। हमारी बगल वाली महिला का बच्चा अब भी रो रहा था, हमारी पीठ अब भी थपथपाई जा रही थी और तो और वो साथ साथ लोरी भी गा रही थी, सो जा मोहन प्यारे सो जा। इतनी पिटाई के बाद मैंने खुद को ही मोहन समझा, मैं खड़े खड़े ही सो गया। जब मेरी आंख खुली तो एक व्यक्ति ने मुझसे कहा, भाई साहब आज तो ट्रेन हवा से बातें कर रही है। मैंने कहा, क्यों मजाक करते हो भाई, ट्रेन तो बड़ी धीरे धीरे चल रही है। मैं बोला, आज हवा भी तो बिल्कुल नहीं चल रही है। एक जगह ट्रेन ने 8 घंटे का समय गुजार डाला तो एक नए नए दूल्हे से बर्दाश्त नहीं हुआ वो गड़बड़ घोटाला,
फौरन जाकर ड्राइवर साहब से बोला, ड्राइवर साहब अगर आप गाड़ी इसी तरह से चलाते जाएंगे तो हम तो मारे जाएंगे, हम तो अपने स्टेशन पर अपनी दुल्हन और शायद एक आध बच्चे समेत ही उतर पाएंगे। बहुत अच्छे। एक व्यक्ति बोला, भाई साहब मेरे मामा के फूफा जी ने मुझे कल ही एक कंपनी में नौकरी दिलवाई है, वो परसों मुझे आगरे में ज्वाइन करवाएंगे। दूल्हा बीच में ही चिढ़कर बोला, वहां तो आप रिटायरमेंट के टाइम ही पहुंच पाएंगे। और उस ट्रेन के लेट होने की बात आपको क्या क्या बतलाएं, क्या क्या समझाएं, हम ऐसी ही एक ट्रेन से होते हुए सीधे इस कार्यक्रम में आए हुए हैं और आप विश्वास मानिए हम आपके दूसरे या तीसरे एपिसोड के बुलवाए हुए हैं। क्या बात है, वाह वाह, बहुत बहुत प्रणाम आपका। रेल से महेंद्र अजनबी का बड़ा पुराना नाता है, ये 35 साल पहले की बात बता रहे थे उस रेल यात्रा की। और उसी जमाने की एक बात और है जब बेरोजगार हुआ करते थे महेंद्र अजनबी, हालांकि रोजगार तो अब भी इनके पास नहीं है लेकिन तब घोषित बेरोजगार हुआ करते थे। उस जमाने में एक बार महेंद्र अजनबी एक इंटरव्यू देने गए रेलवे फाटक पे, जो गेटमैन होता है उसका इंटरव्यू देने के लिए गए। फाटक पे गेटमैन होता है तो इंटरव्यू में सवाल पूछते हैं, उन्होंने पूछा कि भाई आप गेटमैन बनेंगे तो आपका क्या फर्ज है, क्या कर्तव्य है? बोले कर्तव्य यह है साहब, जब ट्रेन आ जाए तो गेट बंद करते हैं, उस वक्त कोई ट्रेन के आसपास नहीं आए, सारे वाहन वाहन रुक जाए। तो अच्छा बोले मान लीजिए एक ही पटरी पे एक ट्रेन इधर से आ गई दूसरी ट्रेन इधर से आ गई तो आप क्या करेंगे? तो महेंद्र अजनबी बोला कि मैं सर लाल कपड़ा झंडी हिलाऊंगा रुक जाए। तो इंटरव्यू चल रहा था, बोले अगर लाल झंडी से नहीं रुका तो बोले सर मैं लालटेन वालटेन कोई हिलाऊंगा, लालटेन नहीं मान लो दिन का टाइम है तो क्या करोगे? बोले मैं कपड़े में आग लगाऊंगा रुक जाए तो फिर बोले उससे भी नहीं रुका तो बोले मैं चिल्लाऊंगा कुछ करूंगा, पत्थर वत्थर मारूंगा, बीच ट्रैक में आ जाऊंगा। बोले उससे भी नहीं रुकी तो क्या करोगे? बोले फिर मैं अपनी वाइफ को बुलाऊंगा। बोले क्यों, वो रोक लेगी? बोले नहीं, उसने आज तक ट्रेन का एक्सीडेंट देखा नहीं है ना। भाई जब आप भिड़ाने पे ही तुले हुए हो तो कौन रोक सकता है, लेकिन माहौल इतना खूबसूरत हो गया है कि इस माहौल में बात सिर्फ मोहब्बत की होनी चाहिए। और मोहब्बत की बात करने के लिए एक ऐसा युवा शायर हमारे बीच में उपस्थित है जिस शायर से मैं खुद बेहद मुतासिर हूँ, जिसे सुनना मुझे बहुत अच्छा लगता है, उसे सुनना मुझे सुकून देता है। और मैं जानता हूँ जलगांव जिले के नगर देवला गांव का जुबैर अली ताबिश जब आपके बीच में आएगा 100वें एपिसोड में तो आप कहेंगे भाई कमाल कर दिया। आइए जुबैर। वो मेहंदी पीस कर जब अपने हाथों में लगाती है, वो मेहंदी पीस कर जब अपने हाथों में लगाती है, वो मेहंदी पीस कर जब अपने हाथों में लगाती है तो दिल को चैन मिलता है कि मेहनत रंग लाती है। हाय हाय वाह। तुम्हें एक मशवरा दूं, सादगी से कह दो दिल की बात। अच्छा, तुम्हें एक मशवरा दूं, सादगी से कह दो दिल की बात, बहुत तैयारियां करने में गाड़ी छूट जाती है। हाय हाय क्या बात है, वाह बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया जुबैर। वो लड़की मैंने जिसके हाथ में सौंपी थी ये दुनिया, आहा, वो लड़की मैंने जिसके हाथ में सौंपी थी ये दुनिया, वो लड़की मैंने जिसके हाथ में सौंपी थी ये दुनिया, सुना है अब किसी के वास्ते खाना पकाती है। अरे वाह 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 क्या बात है, वाह वाह। और जरा फिर से तो कहना, क्या मोहब्बत तुम करोगे? तुम जरा फिर से तो कहना, क्या मोहब्बत तुम करोगे? तुम अरे छोड़ो चलो जाओ, तुम्हें तो नींद आती है। अरे वाह हा, क्या बात है, क्या बात है, वाह वाह, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। एक गजल के कुछ शेर देखिए कि अब वो मेरे साथ नहीं है समझे ना। अच्छा, अब वो मेरे साथ नहीं है समझे ना, अब वो मेरे साथ नहीं है समझे ना, समझाने की बात नहीं है समझे ना, ना? तुम मांगोगे और तुम्हें मिल जाएगा। हाँ, तुम मांगोगे और तुम्हें मिल जाएगा, तुम मांगोगे और तुम्हें मिल जाएगा, प्यार है ये खैरात नहीं है समझे ना। वाह 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 वाह, प्यार है ये खैरात नहीं है समझे ना, तुम मांगोगे और तुम्हें मिल जाएगा, प्यार है ये खैरात नहीं है समझे ना।
और मैं बादल हूँ जिस पर चाहूं बरसूंगा। मैं बादल हूँ जिस पर चाहूं बरसूंगा। मेरी कोई जात नहीं है, समझे ना? वाह वाह, अरे जुबैर बहुत बढ़िया शेर है, क्या बात है, आहा वाह वाह। अपना खाली हाथ मुझे मत बतलाओ, अपना खाली हाथ मुझे मत बतलाओ, अपना खाली हाथ मुझे मत बतलाओ, इसमें मेरा हाथ नहीं है, समझे ना? हाय हाय, क्या बात है, बहुत बढ़िया जुबैर, वाह वाह। कुछ ये भी देख लीजिए कि तेरे जोश के सदके लेकिन कुछ बेकाबू मैं भी हूं। तेरे जोश के सदके, तेरे जोश के सदके लेकिन कुछ बेकाबू मैं भी हूं। तू दरिया की लहर है तो फिर आंख का आंसू मैं भी हूं। आहा, चांद सितारे ही काफी थे नूर के लश्कर में, लेकिन अंधियारे से जंग छिड़ी तो बोला जुगनू मैं भी हूं। वाह वाह, क्या बात है, वाह वाह। और तूने अरमा दफनाए हैं, मैंने ख्वाब जलाए हैं। तूने अरमा दफनाए हैं, मैंने ख्वाब जलाए हैं। तूने अरमा दफनाए हैं, मैंने ख्वाब जलाए हैं। थोड़ा मुस्लिम तू भी है और थोड़ा हिंदू मैं भी हूँ। क्या बात है जुबैर, वाह वाह जुबैर, वाह जुबैर अली ताबिश, वाह क्या बात है बेटे, कमाल कर दिया तुमने, बहुत अद्भुत। क्या पढ़ते हो, क्या कहते हो, कमाल है। हमारे तमाम लोग, हमारे आज के इस कार्यक्रम के विशेष मेहमान, सबने खड़े होकर आपका स्वागत किया, तालियां बजाई। कुछ कहना चाहेंगे आप? आपने सबको सुना और इतनी देर से आप सुन रहे हैं, कैसा महसूस कर रहे हैं आप? हकीकत अगर पूछें तो अभी की जो ये महफिल ही कह सकते हैं एक तरीके से, एक अंदाज से, किसी भी तरीके से माँ की आगोश से कम नहीं। क्या बात है, ऐसा ही लगता है जैसे कि माँ की गोद में बैठे हों। और बचपन से लेके यहाँ तक का सफ़र कैसे तय हुआ कुछ पता नहीं पड़ता, जब इतने खूबसूरत माहौल, कितना खूबसूरत मंजर, एक पुरनूर जलवा ही कह लीजिए जो शायद आसमान से जो है वो जमीन पर उतर आया हो। वाह वाह, क्या बात है, वाह भाई वाह, का 100वां एपिसोड। और ये 100वां एपिसोड नहीं है, ये क्षण है खुशी मनाने का। ये क्षण खुशी मनाने का इसलिए नहीं है कि हम 100 के अंक तक पहुँच गए, क्षण खुशी मनाने का इसलिए है कि भारतीय टेलीविजन पे जहाँ तमाम कार्यक्रम आते हैं, 100 का अंक महत्वपूर्ण नहीं है, महत्वपूर्ण है कि हमने अपने अंक में शायरी को ले लिया, हमने कविता और शायरी को सीने से लगाया, उस कविता और शायरी को सारी दुनिया में आप लोगों ने मोहब्बत दी। अगर आप लोगों की मोहब्बत नहीं होती तो हम यहाँ तक नहीं पहुँचते। तो आइए, मोहब्बतों की बात चलती है तो सुनते हैं उसे जो बाकमाल है, और जब वो मोहब्बत की शायरी करता है तो भाई लोग कहते हैं क्या बात है। डॉक्टर विष्णु सक्सेना, जोरदार तालियों से स्वागत करें डॉक्टर विष्णु सक्सेना। सपनों में अपनों के हाथ दे गया, क्या बात है, मेरी रातों की आए, है हाय मेरी रातों की, है मेरी रातों की नींद ले गया, डाकिया डाक दे गया, डाकिया डाक दे गया, सपनों में अपनों के हाथ दे गया, मेरी रातों की हाय मेरी रातों की, है मेरी रातों की नींद ले गया, डाकिया डाक दे गया। पत्र खुलता है, पाती में प्रीतम ने प्यारी पुकार कर, पाती में प्रीतम ने प्यारी पुकार कर, पूछी है कुशल खेम बीती बिसार कर, मन की मयूरी को तन के पपी है ने, मन की मयूरी को तन के पपी है ने, छेड़ दिया आज सभी सपने सवार कर, क्या बात, करवा चौथ हरियाली तीज दे गया, मेरी रातों की हाय मेरी रातों की, हाय मेरी रातों की नींद ले गया,
बरगद के तले झूला झूले वो याद है, हाय हाय। बरगद के तले झूला झूले वो याद है, सावन में तन मन की सुध भूले याद है। रिमझिम फुहारन में खिलती पहाड़न में, हाय हाय। रिमझिम अंकुर उगाने को बीज दे गया, आए, आए। मेरी रातों की हाय, मेरी रातों की है, मेरी रातों की नींद ले गया, डाकिया डाक दे गया। गीत का अंतिम बन, चुपके से द्वारे की सांकलिया खोल के, आए, आए। से द्वारे की सांकरिया खोल के आ बैठे अंगना में हियरा टटोल के, खुद ही झपक गई नैनन खिड़कियां, क्या बात है। खुद ही झपक गई नैनन खिड़कियां, अधरन के बीच धरी मिश्री सी खोल के। इसके बावजूद घर की मर्यादित दहलीज दे गया, क्या बात है। मेरी रातों की हाय, मेरी रातों की हाय, मेरी रातों की नींद ले गया, डाकिया डाक दे गया। सपनों में क्या बात है। सपनों में अपनों के हाथ दे गया, मेरी रातों की हाय, मेरी रातों की हाय, मेरी रातों की नींद ले गया, डाकिया डाक दे गया, डाकिया डाक दे गया, हाय हाय, डाकिया डाक दे गया। क्या बात है, वाह, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा कॉन्ट्रीब्यूशन सक्सेना, क्या बात है जी। संजय झाला, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? दो लाइन मैं इनको समर्पित करता हूँ। वो एक प्रेमी अपनी प्रेमिका से बोला, तुझसे प्यार करके तो मेरी तकदीर ही जाग गई, मैंने तुझे इतने लव लेटर पोस्ट किए कि तू पोस्टमैन के साथ भाग गई। तो ये लव लेटर, ये डाकिया का चक्कर बड़ा खतरनाक रहता है। ये बुलाते हैं उस पोस्टमैन को जिसकी पोस्ट में बहुत सारी हंसी है, बहुत सारी खुशी है, और हिंदी कवि सम्मेलन का सबसे खूबसूरत कवि डॉक्टर सुरेंद्र दुबे, जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए। शैलेश लोढ़ा भी बहुत मेरी सुंदरता से जलते हैं। मैं एक बात कहना चाहता हूँ, भगवान कृष्ण के हाथ से रोटी कौन छीन के ले गया? कौवा ले गया, कबूतर नहीं ले गया। काग के भाग बड़े सजनी, हरी हाथ से ले गए माखन रोटी, क्योंकि कबूतर तो खाली लव लेटर ही पहुँचाते रहा। कबूतर जा जा जा, पहले प्यार की दूसरी चिट्ठी तीसरे को दिया। लादेन मरा, हम बहुत टेंशन में आ गए, लादेन मरा कैसे? अच्छा, हमने भाई शैलेश को फोन लगाया, लादेन मरा कैसे? बोले बराक ओबामा के पास सैटेलाइट है, वो अमेरिका में बैठे बैठे देख सकता है किस देश के, किस शहर के, किस गांव के, किस घर के, किस कमरे में कौन आदमी का कर रहा है। तब से ना हम नहा सक रहे हैं, ना सो सक रहे हैं। बहुत अच्छे, यहाँ स्नान करे गरीब सुदामा, हाँ। और वहाँ हुस्न का दीदार करे ओबामा। हाँ, 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 हाँ। ये मेरे पीछे पड़े रहते हैं, लेकिन एक बात कहना चाहता हूँ, जब मेरी पत्नी खुश होती है तो कहती है तुम मेरे सोना हो,
तुम मेरे चांदी हो, तुम मेरे मोती हो, तुम मेरे धन हो। और प्रधानमंत्री जी बोलते हैं काला धन जब्त होगा। और अब तो कहते हैं कि काला धन जब्त भी होगा और सार्वजनिक भी होगा। बड़ी दिक्कत है। बराक ओबामा दिल्ली आए, बहुतों से पूछा क्यों आए, बोले ये मैनेजमेंट सीखने आए। बराक ओबामा हिंदुस्तान आए उत्तराधिकारी की तलाश में। कलर के आधार पे मैं था, कलर के आधार पर। हाँ, उन्होंने बिल्कुल नहीं की देरी, मुझको रायपुर फोन किया और कहा मिस्टर ब्लैकबेरी अब अमेरिका की जिम्मेदारी तेरी। बड़ी अजीब स्थिति है, ये पीछे लगे रहते हैं। मैं एक कविता आपको देना चाहता हूँ। ये कविता राजस्थान से ही शुरू होती है, मेरे एक मित्र रहे वहाँ ब्यावर से, मेरे हमनाम, और उनका असामयिक निधन हुआ। हमारे अच्छे मित्रों में से थे, लेकिन मेरा दुर्भाग्य ये था कि वो मेरे नाम के हमनाम थे। उनका नाम भी सुरेंद्र दुबे ही था। और रायपुर में सोशल मीडिया ने मेरी फ़ोटो लगा के समाचार जारी कर दिया, सुरेंद्र दुबे का निधन, बेमेतरा में होगा अंतिम संस्कार। मैं भाई साहब सुबह सो के उठा तो मेरे घर के दरवाजे में 15 लोग गमछा टावल लेके खड़े थे। मैं बोला क्या हो गया, बोले दुबे जी नहीं रहे, दुबे जी निपट गए, हास्य का बड़ा कवि चला गया छत्तीसगढ़ में। अबे चुप, ये हास्य का कोकड़ा है, ठहाका का परिंदा है, टेंशन में मत रहना बाबू, टाइगर अभी जिंदा है, टाइगर अभी। मेरी पत्नी को एक ने फोन किया, सुने दुबे जी निपट गए। मेरी हाँ निपट गए। मेरी पत्नी बोली हमारे ऐसे भाग्य कहाँ है। बहुत अच्छे, हमारे ऐसे भाग्य कहाँ है बाबू, रात को आए हैं, पिज्जा खाए हैं, पनीर उनका पसंदीदा है, टेंशन में तो मैं हूँ कि टाइगर अभी जिंदा है, टाइगर अभी। एक खड़ा था, तू कैसे खड़ा है रे, बोले लकड़ी टाल वाला हूँ, 2 क्विंटल लकड़ी डाल के आया हूँ शमशान घाट में, तू जलेगा कि तेरे बदले में कौन जलेगा। लकड़ी वहाँ की वापस ला नहीं सकता, जलना तो पड़ेगा। मैं बोला तेरी लकड़ी के लिए जल जाऊँ। अरे हास्य का कोकड़ा है, ठहाका का परिंदा है, टेंशन में मत रहना बाबू, टाइगर अभी जिंदा है, टाइगर अभी। बैरागी जी कहीं लिखते हैं कि मैं कभी मरूंगा नहीं क्योंकि कभी कोई ऐसा काम करूंगा नहीं। क्या बात है, मैं कभी मरूंगा नहीं क्योंकि कभी कोई ऐसा काम करूंगा नहीं। ये बहनें बैठी हैं, ये राखी के रक्षा सूत्र हैं, ये भाई दूज का टीका है, ये तीजा हरतालिका की कहनी है। अरे वो भाई क्या मरेगी जिसकी इतनी सारी बहनें। वाह वाह वाह। इसीलिए मैं कहना चाहता हूँ कि ये हास्य का कोकड़ा है, ठहाका का परिंदा है, टेंशन में मत रहना बाबू, 100 शतक नहीं 1000 एपिसोड तक ये टाइगर जिंदा है। क्या बात है, वाह वाह, बड़ी खूबसूरत बात कही डॉक्टर सुरेंद्र दुबे। लेकिन मुझे लगता है कि जब बहनें जलाई जाती हैं और दहेज के लिए उन्हें प्रताड़ित किया जाता है, जब उन्हें सरेआम छेड़ा जाता है, जब समाज में अन्याय होता है, जब समाज में अत्याचार होता है, जब गरीब को रोटी नहीं मिलती, बेरोजगार को नौकरी छोटी नहीं मिलती, भूखे को खाना नहीं मिलता, किसी भी मौसम में मौसम सुहाना नहीं मिलता, जब हाथों को काम नहीं मिलता, जब चीज़ों को दाम नहीं मिलता, तब आप भी सोचते होंगे कि सोचते सोचते ये हास्य का परिंदा बहुत शर्मिंदा है कि टाइगर क्यों जिंदा है। लेकिन जब तक हास्य जिंदा रहेगा और आप जैसे लोग जिंदा रहेंगे, तब तक हमारे समाज में मुस्कुराहट रहेगी, खुशियां रहेंगी, खूबसूरती रहेगी, मोहब्बत रहेगी। और ये 100वां एपिसोड इन मोहब्बतों का ही पैरोकार है, ये 100वां एपिसोड इन मोहब्बतों का ही वाहक है, ये 100वां एपिसोड इन मोहब्बतों का ही चाहक है, ये 100वां एपिसोड इन मोहब्बतों को फैलाने वाला है, आपके घरों में लाने वाला है, खुशबू की तरह बिखर जाने वाला है। तो ये शानदार शतक हमारा 100वां एपिसोड चलो प्रेजेंट्स, वाह भाई वाह का। और आप जान रहे हैं कि आज यहाँ कमाल हो रहा है, कमाल होने वाला और कमाल होता ही रहेगा। तो आइए बुलाते हैं उस आवाज को जिनकी आवाज की खुशबू एक बार जहन में बस जाए तो जिंदगी भर पीछा नहीं छोड़ती। हिंदी कवि सम्मेलन में शायरों का एक ऐसा नाम जिन्हें परिचय की कोई आवश्यकता नहीं, अंजुम रेबर। सबसे पहले 100 एपिसोड होने की ढेर सारी शुभकामनाएं। शुक्रिया। मैं
एक मतलब दो शेर सुनाती हूँ। इरशाद। मोहतरम प्रिंस साहिब यहाँ बैठे हैं, बड़ी खुशी हो रही है कि वो शायरी से इस बेपनाह मोहब्बत करते हैं कि मैं तेरे पास इतना आऊंगी, मैं तेरे पास इतना आऊंगी, मैं तेरे पास इतना आऊंगी, अपनी पहचान भूल जाऊंगी। वाह वाह। मैं तेरे पास इतना आऊंगी, अपनी पहचान भूल जाऊंगी, लाख में आईने बनाऊंगी, लाख में आईने बनाऊंगी, तेरी सूरत कहां से लाऊंगी। हाय हाय। वाह वाह। और इस महफिल में ये शेर पढ़ना चाहती हूँ कि मैं हूँ रूठी हुई जमाने से, मैं हूँ रूठी हुई जमाने से, तू मना ले तो मान जाऊंगी। हाय हाय। वाह। जब चांद मुँह छुपाए सरे शाम आएगा, जब चांद मुँह छुपाए सरे शाम आएगा, मिट्टी का ये चराग बहुत काम आएगा। क्या बात है। वाह वाह। मिट्टी का ये चराग बहुत काम आएगा, मैं लुट चुकी हूँ मेरी कहानी पे गौर कर। क्या बात। मैं लुट चुकी हूँ मेरी कहानी पे गौर कर, ये तजुर्बा सफर में बहुत काम आएगा, ये तजुर्बा सफर में बहुत काम आएगा, मजबूरियों के नाम पे सब छोड़ना पड़ा, छोड़ना पड़ा, दिल तोड़ना कठिन था मगर तोड़ना पड़ा, दिल तोड़ना कठिन था मगर तोड़ना पड़ा, दिल तोड़ना कठिन था मगर तोड़ना पड़ा। यहाँ नौजवान नस्ल बैठी हुई है और शैलेश का पसंदीदा शेर और मेरी जिंदगी का आईना। मेरी पसंद और थी सबकी पसंद और, मेरी पसंद और थी सबकी पसंद और, मेरी पसंद और थी सबकी पसंद और, इतनी जरा सी बात पे घर छोड़ना पड़ा। गजल के चंद शेर अगर मुझे शैलेश इजाजत दे। अरे हम सब सुनने के लिए बेताब हैं। बिल्कुल नई गजल सुना देती हूँ आज। इरशाद। इकरार भी नहीं है इनकार भी नहीं है, इकरार भी नहीं है इनकार भी नहीं है, इनकार भी नहीं है, इकरार भी नहीं है इनकार भी नहीं है, है प्यार भी उसी से और प्यार भी नहीं है। लेकिन मेरा किनारा, लेकिन मेरा किनारा उस पार भी नहीं था, इस पार भी नहीं है, नहीं है। क्या बात। वाह वाह वाह। भी नहीं था उस पार भी नहीं है। देखिए शेर कैसे बनते हैं जी। अंजुम मोहब्बतों का हफ्ता कहाँ से लाऊं, अंजुम मोहब्बतों का हफ्ता कहाँ से लाऊं, अंजुम मोहब्बतों का हफ्ता कहाँ से लाऊं, जिस दिन वो आ रहा है इतवार।
इतवार भी नहीं है। तुमको भुला रही थी कि तुम याद आ गए। हाय हाय, क्या बात है, ये अंजुम रहबर है, वाह क्या बात। तुमको भुला रही थी कि तुम याद आ गए। तुमको भुला रही थी कि तुम याद आ गए। तुमको भुला रही थी कि तुम याद आ गए। मैं जहर खा रही थी कि तुम याद आ गए। सहन में कल रात रात रानी मेरे सुन सहन में कल रात रात रानी मेरे सुन सहन में खुशबू लुटा रही थी कि तुम याद आ गए। अब शेर सुनो। कल मेरी एक प्यारी सहेली किताब में आए आए। कल मेरी एक प्यारी सहेली किताब में कल मेरी एक प्यारी सहेली किताब में एक खत छुपा रही थी कि तुम याद आ गए। शेर कल शाम छत पे मीर तपी मीर की गजल। मीर की गजल आया है। कल शाम छत पे मीर तपी मीर की गजल मैं गुनगुना रही थी कि तुम याद आ गए। मैं गुनगुना रही थी कि तुम याद आ गए। अंजुम तुम्हारा शहर जिधर है उसी तरफ। अंजुम तुम्हारा शहर जिधर है उसी तरफ एक रेल जा रही थी कि तू याद आ गए। क्या बात है, अरे वाह वाह, क्या शेर है। एक रेल जा रही थी कि तू याद आ गए। मैं जहर खा रही थी कि तुम आए 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 आए। वाह वाह क्या बात है। वाह, मैं अंजुम रहबर आपको क्या कहूं, इतने खूबसूरत शेर आपके और उसकी आप देखिए, ये तमाम लोग, ये सारे लोग दिल वाले लोग हैं, मोहब्बत करते हैं, और जब मोहब्बत की बात होती है तो फिर अपने आप को रोक नहीं पाते। छत पे मीर तकी मीर की गजल गुनगुना रही थी कि तुम याद आ गए। अब मैं बुलाना चाहता हूं उसे जिसकी जिंदगी में छतों से बहुत बड़ा नाता रहा है, वो अक्सर छत पे पाया जाता रहा है। किन कारणों से, किन समय में, किस तरह से वो छतों पे पाया जाता रहा है, ये विषय नेशनल टेलीविजन पे बताने के नहीं है, लेकिन मैं चाहता हूं कि वो छतों का राजा संजय झाला चला है। जोरदार ताली से स्वागत कीजिए। सबसे पहले तो मैं लक्ष्यराज सिंह जी की ओर से अपना हार्दिक स्वागत करता हूं। और प्रेम की इतनी सुंदर बात अंजुम जी कर रही थी, मेरा अनुभव है और आपका भी निश्चित रूप से होगा ही होगा, पहला प्यार आदमी कभी नहीं भूल पाता है जब तक कि उसे दूसरा नहीं मिल जाता। मेरा यह भी अनुभव है कि जो लोग प्रेमिकाओं के केस और फेस पर मरते रहे, बाद में उन्हीं के केस फेस करते रहे। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे। एक नया नया नेता चुनाव लड़कर राजधानी चला जाता है,
और पीछे से उसका जो मुख्य चुनाव एजेंट होता है वो उसको पत्र लिखता है। अच्छा, और वो पत्र में क्या लिखता है? ये कमाल का विषय है, क्योंकि आज तक हमने प्रेमी प्रेमिकाओं के पत्र सुने हैं। चुनाव का जो कार्य करता है वो अपने नेता को पत्र लिख रहा है। ये पत्र मुझे रंगीला चाट वाले के साथ समोसे के साथ मिला है। अच्छा। और ये मैं इसे ज्यों का त्यों आपको पढ़कर सुनाना चाहता हूं। अच्छा, पत्र वहां प्राप्त हुआ। वो पत्र लिखता है, श्री श्री 1008 आदरणीय फादरणीय पप्पी जी भाई साहब 61 के फूल 62 की माला, भाई साहब आपके दुश्मनों का मुंह काला। आपको चुनाव जीते ठीक 9 महीने हो गए हैं। ये आपके धुआंधार व्यक्तित्व का ही परिणाम है कि जनता आपको तन मन और धन से याद करती है। अच्छा, बिल्लू टेंट वाला, नाथू साउंड वाला, ओमी प्रेस वाला और रसीद भाई जीप वाला, इनकी हर सांस में आप ही आप समाए। बिल्लू टेंट वाले की तो रग रग में आप समाए हैं, क्योंकि उसके 167 रजाई, 40 गद्दे और 37 चद्दर कार्यालय से गायब हो गए। बहुत अच्छे। आपके बल्लभ नगर के कार्यकर्ता पकड़े गए, क्योंकि वो भोलेपन और सादगी के कारण वो रजाई गद्दे बिल्लू टेंट वाले के यहीं बेचने चले गए। बहुत बढ़िया संजय, बहुत अच्छे। बिल्लू टेंट वाले ने बताया कि आप पढ़ने लिखने में बहुत होशियार रहे, यही कारण है कि आपने 8वीं क्लास के अध्ययन के दौरान बीएड की डिग्री प्राप्त कर ली थी। और फिर कुछ समय बाद आप और डिग्री दोनों पुलिस को प्राप्त हो गए। बहुत अच्छे भाई, वाह 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 संजय, क्या बात है। पप्पी भाई साहब, आप देवता स्वरूप हैं, इसीलिए शास्त्र और हमारे पड़ोसी शास्त्री जी कहते हैं, यत्र नारियस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र पप्पी भाई साहब। रमन्ते तत्र पप्पी भाई साहब। पप्पी भाई साहब, आपने महिलाओं का बड़ा सम्मान किया, और यही कारण है कि आपने विश्व सुंदरी और दस्यु सुंदरी में कभी कोई भेद नहीं। ये बात अलग है कि आपने घर वाली को हमेशा दस्यु और बाहर वाली को हमेशा सुंदरी समझा। क्या बात है, वाह बहुत बढ़िया। बाहर वाली को हमेशा सुंदरी समझा, और सुंदरी से मुझे याद आया 2 साल पहले जो गायब हो गए थे भाभी जी के गहने, कल मैंने देखा थानेदारनी को पहने और मेरे मुंह से बस एक ही बात निकली, पप्पी भाई साहब आपके क्या कहने, क्या कहने, क्या कहने। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे। मैंने आपको नगरी नगरी द्वारे द्वारे ढूंढा, पर आप कहीं नहीं मिले। मैंने अनीता जी को फोन किया, इस बात के लिए आप मेरी गर्दन काट सकते हैं। अनीता जी ने मुझे बताया कि आप 3 दिन से यहां नहीं आए हैं। मैं समझ गया आप बबीता जी के यहां गए हो, क्योंकि मैं जानता हूं कि आप मंगलवार का व्रत बबीता जी के यहीं खोलते हैं। और अंत में वो लिखता है, कितने लोग अपनी दुकानों, शोरूमों और संस्थानों का उद्घाटन आपसे कराना चाह रहे हैं, पर मैंने सुना कि आपने अपने व्यस्ततम समय में से समय निकालकर कम्मो धोबन की लॉन्ड्री का उद्घाटन कर दिया। जब से ये बात पत्रकार को पता चली है, पहले वो मुझे कहता था एमएलए साहब से इंटरव्यू दिलाओ, लेकिन कम्मो धोबन वाली बात पता चलते ही मुझसे कह रहा है एमएलए साहब से विज्ञापन दिलाओ। बहुत लोग अपनी दुकानों का, संस्थानों का, घरों का उद्घाटन आपसे कराना चाह रहे हैं, आप कब आओगे मेरे देवता? वाह, कब आओगे मेरे देवता, कब आओगे? वाह वाह वाह, बहुत बढ़िया। अरे बाप भाई वाह, वाह भाई वाह, वाह। ये है
व्यंग की ताकत, व्यंग ट्यूबलाइट की तरह होता है, थोड़ा देर से समझ में आता है लेकिन जब आता है तो रोशनी ज्यादा करता है। हास्य में हम ठहाके लगाते हैं, भूल जाते हैं, लेकिन व्यंग दिमाग की सतह पे जम जाता है। संजय झाला एक बड़े खूबसूरत व्यंग्यकार हैं, इनकी बड़ी कमाल की पुस्तक है जिसका लोकार्पण मैंने किया था, सुनी सुनी आवे हांसी, और उसके अलावा भी कई पुस्तकें लिख चुके हैं। बिकी कितनी है ये शोध का विषय है। जब इस कार्यक्रम की शुरुआत हमने की थी, हमने कहा था कि आज से जो सफ़र शुरू हो रहा है ये सफ़र बेहद खूबसूरत होगा, आप लोगों के साथ की वजह से, आप लोगों के प्यार की वजह से, आप लोगों के विश्वास की वजह से, आप लोगों की मोहब्बतों की वजह से, आप लोगों के खुलूस की वजह से। और यही आज का एपिसोड जो बता रहा है, ये आपकी मोहब्बत थी कि ये सफ़र इस मंजिल तक पहुँचा। लेकिन ये मंजिल मंजिल नहीं है, पड़ाव है, अभी तो बहुत सारी मंजिलें आएंगी और हम आगे बढ़ते रहेंगे। और आइए आज के इस खूबसूरत एपिसोड में जो हमारे खास मेहमान हैं श्री लक्ष्मीराज सिंह मेवाड़, हम उन्हें मंच पर बुलाते हैं। आइए लक्ष्मीराज मेवाड़। अरे मैं चाहूंगा शेवारू टीवी के बिजनेस हेड सुभाष सोमानी आए और हमारे खास मेहमान का स्वागत करें और 100वें एपिसोड के लिए हम उन्हें बधाई दें। लेकिन दोस्तों, जैसा कि मैंने आपसे कहा कि ये मंजिल नहीं है, पड़ाव भर है, अभी तो ये मोहब्बत का सफर यूं ही जारी रहेगा, ये कारवा यूं ही आगे बढ़ता रहेगा। आपकी मोहब्बतों की जरूरत हमें है, आपके प्यार की जरूरत हमें, आप हमारे साथ इसी तरह से आगे बढ़ेंगे, हाथ में हाथ मिला के हम चलते रहेंगे और यहाँ इसी खूबसूरती से कविता और शायरी की महफिल सजाते रहेंगे, देश के तमाम खास लोग आते रहेंगे। इसलिए ये महफिल आज आगे बढ़ रही है एक ऐसे नए सफर की ओर जो सफर बेहद खूबसूरत होगा। तब जाते जाते ये शेर मुझे याद आते हैं मकबूल शायर के, सितारों के आगे जहाँ और भी हैं, अभी वक्त के इम्तहान और भी हैं, और कनात न कर आल में रंगो बू पर, चमन और भी, आशियां और भी हैं। वाह भाई वाह।